हाँ, एक तरीके से हो गया है, लेकिन जो इसके ससुराल वाले हैं, होने वाले ससुराल वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगा और वो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन गलती से आ गई। किसी बहुत बड़े रीज़न की वजह से वो आई, तो काइंड ऑफ गृह प्रवेश हो गया है। तो वैसे ही रीज़न जानना चाहेंगे कि रीज़न क्या था जो इसे आज मजबूरी में आना पड़ा? डिस्क्लोज कर सकते हैं? हमने सीन लिया है उन्हें। अच्छा, चलेगा ना। हाँ ठीक है। रीज़न बहुत बड़ा था कि जो दो बच्चे हैं, लव और कुश, उसमें से लव को कुश जो है वो अंदर अलमारी में फंस जाता है और बंद हो जाता है। तो अभी ये वीडियो में देख लेती है नायरा और सबको फ़ोन लगाती है, बट किसी का फ़ोन नहीं लगता है। तो फिर वो इमरजेंसी में खुद भाग के आती है और उसको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, और वो आती है और बचा लेती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि वो इस घर पे आई। वैसे देखा गया कि नायरा काफ़ी कुछ एकदम कॉस्ट्यूम भी अलग था, मुंह पे फेस पैक था, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसे कुछ दुपट्टा उड़ाती भी नजर आई। जी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे आ जाएगी सडनली, और उसने भी एक्चुअली नहीं सोचा था, नहीं तो वो शायद कुछ ऐसा अगर कुछ नहीं होता तो वो पहली बात आती ही नहीं। तो घर के कॉस्ट कपड़ों में थी, और ऐसे में क्या होता है कि आप मतलब ससुराल, होने वाले ससुराल में आ रहे हो, तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि उसने फेस पैक लगाया हुआ था। तो माँ ने और राठरी ने वो फेस पैक हटाया ताकि थोड़ा सा बेटर फेस लगे, और मैंने उसको एक जस्ट एक उसके लिए चुन्नी पहनाई कि वो जस्ट एक घर के कपड़ों में आई थी उस नाते। ऐसे कार्तिक की दादी की अगर बात करी जाए तो काफ़ी पुराने ख्याल आती हैं वो, कि पहले तो औरतों को उन्होंने घर में आने मना किया था, अब तो नायरा के आने से और ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। ऐसी हर घर के कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं होती हैं जिनको फॉलो करना, कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग बहुत इजी लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं आज के टाइम में भी जो इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। सो सेम ऐसे ही दादी का भी जो एक स्वभाव है वो यही है कि वो सब चीज़ें फॉलो करती हैं, लेकिन घर को, घर परिवार के लिए। तो आई थिंक उनके अपने विचार हैं जो आई डोंट थिंक कि गलत हैं, वो शायद फैमिली के लिए सोच रही हैं, तो उनकी अपनी धारणाएं हैं और हमारी हमारी फैमिली की अपनी धारणाएं हैं। तो बस गलत कोई भी नहीं है अपनी अपनी जगह, वो भी परिवार के लिए ही सोच के कर रही हैं, जो शायद शुरू से उन्होंने अपनी फैमिली में देखा होगा, तो वो अभी अपनी फैमिली में, इस फैमिली में वो चला रही हैं। अच्छा, वैसे अब 2017 आने से एक दिन बाकी है, तो व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अब तक इतना प्यार दिया है, और आगे भी वो अपना प्यार बनाए रखें, हमारा शो देखते रहें, और बस आपके लिए जो नया साल है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।